चैनल माय नेम इज शहर एंड यू आर वाचिंग क्यूट व्लॉग। सो आज होने वाला है दिल्ली का एपिसोड नंबर 1। सो पहले टाइम क्या हुआ भाई, ठंड बहुत लगी है। तो 8:14 हो चुके हैं, मैंने अभी अभी चाय पी, मैं फ्रेश हुआ। सो मैंने पैकिंग कल ही कर दी थी, तो पहले करते हैं काम, हो जाते हैं रेडी, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक कुछ काम है रेडी। तो ये ऐसे कुछ गेटअप मेरा, सुबह सुबह अपनी फैमिली का मुंह मीठा साथ, और यहाँ पे एक फ्रेम गायब है, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ है वो। तेरी मेरी फोटो फ्रेम, दादी ने बोला यहाँ रखो, मुझे याद आती है। कितना सनराइज अच्छा हो रहा है। अच्छा अब मैं घर से निकल रहा हूँ, तो मैंने बैग भी ले लिया, तो पापा फोन ऑन करे तो निकलते हैं पहले। सो अभी हम संग्राम में ही है, तो आप देखो मौसम क्या हो रहा है, खराब, बिल्कुल खराब। सो अब यहाँ से श्रीनगर है बस 28 किलोमीटर। सो चलता बॉयज, अब हमने क्रॉस कर दिया बारामला। सो ये यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा श्रीनगर। सो अब हमें करना है काम, हमें जाना है डायरेक्ट एयरपोर्ट, तो चलते हैं अभी। इस वक्त बज रहे हैं 10:01, तो मेरी फ्लाइट है 1:35 की। तो अभी मतलब मजा आया ट्रैवल करने वालों के साथ। सो नगर के रोड इतनी खराब है, मुझे ये नहीं पता था। ओ भाई ये चक्कर है भाई, कितनी रोड खत्म है भाई, ये रोड एयरपोर्ट की जो रोड है वो खत्म है। अभी प्लान बना था पापा और मेरा, मतलब हम नाश्ता करेंगे, बट अंदर भी देखेंगे, ट्रैफिक बहुत नहीं होगा अंदर, कुछ नहीं होगा। कॉफ़ी क्या मिलेगी, लस्सी क्या मिलता है हमको। सो बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है। तो ये हमने एंटर कर दिया है कश्मीर का एयरपोर्ट श्रीनगर वाला। सो लेट्स गो। तो बॉयज पहले कहानी ये, यहाँ पे चेकिंग करवानी है बैग्स की, लस्सी क्या होता है। ये पता नहीं है कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वहाँ पे वीडियो बनाना क्यों बंद है, वो मुझे नहीं पता। बट स्क्रू हमारा लगेज चेक हो चुका है, बाहरी होता है पहले जो लगेज होता है, चेक होता है, फोन वोन जब्त कर लेते हैं भाई, मुझे नहीं पता ये क्यों कश्मीर में। सो कोई बात नहीं, अब जो होना था मेरा हो चुका है। सो अब हम जा रहे हैं आगे, पता नहीं वीडियो क्यों बोल रहे हैं, मना करो, बंद करो, बंद करो। देखते हैं आगे क्या होता है। एयरपोर्ट के अंदर मेरा सफर आज के लिए बस इतना ही था। सो मिलेंगे हम जल्दी, बट मिलेंगे दे दो। सो वाइस जब आप एंटर करते हो तब एक और सिक्योरिटी चेक होता है आपका। सो हो चुका है, तो ये चेक करो यार, ये कि हमारा लगेज जो है वो प्लेन में जा चुका है। सो आप टैग लगाने हैंड बैग्स पे, ऐसा कुछ टैग मिलता है अगर आपको हैंड बैग पे लगाना पड़ता है, ये लगेज जा चुका है हमारा प्लेन में, तो निकल जस्ट गेट अवर टिकट्स। ओहो गेट नंबर 3 पे, तो पहले गेट नंबर 3 ढूंढ रहे हैं, फिर वेट करते हैं। सो लेट्स गो। तो बॉयज अभी हम पहुंचे थे अपने गेट नंबर 3 पे, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल है। सो अभी 1 घंटा है हमारी फ्लाइट पे। सो पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है, तो देखता हूँ कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, तो चलते हैं। मैंने ले लिया है कॉफ़ी मम्मा और मेरे लिए, देखते हैं फिकर 2 ले लिए, तो चलते हैं पहले। सो भाई लोग आ चुके हैं हम प्लेन में थोड़ी, तो हम लोग जी तो आ चुके हैं हम अपनी फ्लाइट में। सो अभी हमारी 1 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है कश्मीर टू दिल्ली। सो मैं तो डायरेक्ट सोने वाला हूँ, तो सुबह अभी 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी फ़्लाइट कर रही है टेक ऑफ। सो ले लो सिनेमैटिक्स के मज़े, और मुझे बहुत नींद आ रही है। अब हम 5-10 मिनट में हम लैंड कर जाएंगे, सो फिर आपको मिलता है। अभी आप बोल रहे हो आप बस में क्यों चढ़े हो, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बस वहाँ तक छोड़ने के लिए आई है। गाइस आ चुके हैं हम अपना लगेज पिकअप करने, फिर निकलते हैं यहाँ से।
अभी मेरा लगेज नहीं मिल रहा है यहाँ पर। किधर है मिस्टर इंडिया, हो गया क्या? फाइनली मेरा बैग आ चुका है। बॉय इस ट्रॉली को पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं धक्के मार मार के चलानी पड़ रही है। आई डोंट नो गाइस, वी आर इन दिल्ली, फाइनली वी आर इन दिल्ली। अब मैंने कर लिया कैब, सो लेट्स गो। क्योंकि आपने देखा मैंने कैब कर लिया, तो हम चल रहे हैं मासी के घर की तरफ। वो अब देख लोगे आगे, तो मुझे अभी लोकेशन नहीं पता, अब लोकेशन दे दिए भैया को, चलते हैं पहले। और इतनी गर्मी हो रही है ना, तब भाई पहुंच चुके हैं फ्लैट पे। अब बस एक काम है मेरे को, फ्रेश होना और सो जाना है और खाना खाना है भाई, इतना थक गया हूं ना। फ्रेश हो जाते हैं और खाना खाते हैं फिर। सो भाई आज हम पहुंच गए थे दिल्ली, तो मैं बहुत थक गया था, मैं थोड़ी देर सो गया था। अब बैठा हूं एडिट करने, और आपके भाई के साथ मतलब बीट ही ना हो, मतलब वो जाए कहीं और उसके साथ बीट ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी दोनों जो सिम्स है उसके टावर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल मतलब एक सेल भी नहीं आ रही, इस फ़ोन की भी और इस फ़ोन की भी। अब मैं बस सोच रहा हूँ क्या करूँ, दिल्ली के लिए कोई और सिम निकाल लूँ या इनके वाईफाई पे अपने दम दिन दिन निकाल लूँ। तो अब देखते हैं क्या करता हूँ मैं कल। सो आई थिंक आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी एंगल से मेरा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।